हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। इन्हें कहा है कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से, मतलब आप चुप हो जाइए। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है, थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहना है। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर में हम नॉर्मल होते जा रहे हैं और हमें जो गुस्सा आ रहा था वो धीरे धीरे उतर रहा है। और ठीक उसी तरीके से जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेने से, अपनी गलती मान लेने से, हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जो हमारी लाइफ है सब कुछ नॉर्मल सा होता जा रहा है और सब कुछ ठीक सा, ठीक ठाक सा चल रहा है और ज़िंदगी बहुत आसान होती जाती है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल बबीता में। तो जी, सुबह का वक्त हो रहा है और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और बस मैं लग गई हूँ अपने डेली वाले रूटीन पर, जो सुबह के मेरे काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं पी रही हूँ पानी, और मैं सुबह उठ के एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, तो वो बस मैं पी रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, साइकिल के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। बस उसका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद मुझे जाना है, उसको जगाऊंगी, उसका दूध भी बना लूंगी पहले, फिर हस्बैंड भी जगेंगे, उनके लिए भी चाय बनानी है। तो बस वही मेरे डेली वाले काम शुरू हो गए हैं, तो उन्हीं में मैं लग गई हूँ सुबह सुबह। फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही सर्दियों में काम आने वाला जो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होने देगा, आपको ठंडी नहीं लगने देगा, बस ऐसा ही कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही आसान रेसिपी है, पर मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमसे नहीं बन पाता है, तो बस मैंने इसीलिए सोचा कि एक वीडियो में बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा। बस मेरा टिफ़िन बना चुकी हूँ मैं साइका के लिए, और मेरा काम भी हो गया है यहाँ पर, साइका का दूध भी बन रहा है। और बस फिर अब चलते हैं, साइका को जगा लेते हैं पहले, फिर उसको दूध वगैरह देंगे, उसको रेडी करेंगे। और यहाँ पर ना मैंने चाय चढ़ा दी है और बेटी भी जग के आ गई है, तो बस उसको अब रेडी करना है, दूध वगैरह देंगी और बस उसको रेडी करके स्कूल भेजते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर पानी पी रही थी ना, तो उस समय पे मैंने लाइट नहीं जला रखी थी कोई भी, और आप लोग शायद सोच भी रहे होंगे कि अंधेरा क्यों हो रहा है। और उस समय ना मेरे मंदिर वाले रूम में, बाबा के मंदिर में एक छोटी सी लाइट जलती रहती है, तो बस उसी का हल्का उजाला था और मैंने कोई जगह नहीं था तो मैं लाइट नहीं जलाती हूँ, बस मेरा ऐसे ही काम चल जाता है। बट अब सब जग के आ गए हैं तो उस लाइट मैंने जला ली है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं आ गई हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या बनाने वाली हूँ, और डेफिनेटली पोहा तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, पर आज जो मैं बताऊँगी ना वो आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं गुड़ की चाय बनाना। तो गुड़ की चाय को ना बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी गुड़ की चाय फट जाती है, तो बस उसी लिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप डालिएगा। और बस मेन टाइम इसमें क्या है, चाय तो नॉर्मली बनती है, बट जो गुड़ डालने का टाइम है वो प्रॉपर टाइमिंग रहेगी ना, तो चाय बिल्कुल नहीं फटेगी। और बस देखते रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए कि मैं कैसे गुड़ मिक्स करती हूँ, कौन सी टाइमिंग पे मिक्स करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चाय बनाना।
और चाय के साथ साथ ना मुझे पोहा भी बनाना है ब्रेकफास्ट में, तो बस मैं उसको भी साथ साथ बनाती जा रही हूँ और एक तरफ पोहा बना के मैं रख दूँगी। और बस बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ पोहा भी मैं, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही है थोड़ी सी, और बस पोहा बना के रख दूँगी और साथ ही मैं चाय भी चढ़ा लूँगी। देखिए जब हम चाय बनाएंगे ना तो नॉर्मल जैसे हम जितना पानी लेते हैं वही सब सेम क्वांटिटी रहेगी, बस अब हम उसमें चीनी थोड़ी सी हल्की डालेंगे और बस मैं पानी चढ़ा दूंगी और चाय पत्ती डाल दूंगी। और सर्दियों में ना मैं थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करती हूँ चाय में, तो ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और बस उसके बाद मैं अदरक कूट के डाल दूंगी, और अदरक डालने के बाद जैसे अच्छे से बॉईल ले लेंगे एक दो, और उसके बाद फिर मैं इसमें दूध भी मिला दूंगी। और दूध मिलाने के बाद फिर से हमें दो बॉईल लेने हैं इसके, जैसे नॉर्मल हम लेते हैं दो या तीन बॉईल जितने भी आप लेते हो। बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि चीनी कम डालनी है, जैसे चीनी हम नॉर्मल डालते हैं, तो अभी हमें गुड़ भी ऐड करना है। तो अगर आप खाली गुड़ की बनाना चाहें तो आप हल्की मीठी पीते हो तो आप खाली गुड़ भी मिक्स कर सकते हो, पहले चीनी मत डालना। अदरवाइज़ मैं हल्की सी चीनी इसमें डाल रही हूँ और चाय मेरी बॉईल हो चुकी है, और बस अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, और दूध ऐड करने के बाद फिर से दो बॉईल लूँगी। और फिर आप देखिए इसमें मैं गुड़ किस टाइम पे डाल रही हूँ, जस्ट दो बॉईल लेने के बाद ही मैं गुड़ डाल लूँगी। और गुड़ को ना फ्रेंड्स मैंने हल्का सा चाकू से, मेरा जो ये गुड़ है ना वो बहुत सॉफ्ट है, तो मैं वैसे आप चाहो तो ग्रेट कर सकते हो किसी चीज़ से, कूट लो उसे, बट मैं ईजी समझती हूँ, मुझे ईजी लगता है चाकू से ना, मैं साथ साथ इसको हल्का सा काट लेती हूँ तो वो बहुत आराम से हो जाता है। और बस मैंने गुड़ ये बना लिया है, और जब मेरी चाय एकदम रेडी हो गई तो उस टाइम पे हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। जब चाय बिल्कुल रेडी हो जाए गुड़ इसमें तभी ऐड कीजिएगा। और आपको मेन इसमें यही ध्यान रखना है कि जब हम इसमें गुड़ ऐड करते हैं ना उसके बाद चाय को ऐसे ही ना छोड़ें, उसे चम्मच से चलाते रहें, कंटिन्यू उसे चलाते रहें, और उसके बाद एक दो मिनट फिर से पकाएं और बस आपकी चाय बनके रेडी हो जाएगी। और देखिए मेरी चाय बिल्कुल कड़क बनी है, एकदम स्ट्रॉन्ग चाय बनी है और बिल्कुल नहीं कटी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए।